कटारे जी जगदीश भी हमारे एक्स चेयरमैन है, अरिंद से इसकी ठीक सी होगी नहीं जगदीश, अब तक ठीक है ये। और लहरी त्यागी जी और सम्मानित बुजुर्गो नौजवान भाइयों, लड़सोली तुम्हारे रणवीर रणवीर हमारे बैठे तो हाँ, तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं बनूँ या बीजेपी बने या कोई पार्टी बने या मोदी बने, महत्वपूर्ण इसलिए ये देश को कौन बचा सकता है, इस देश को मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है, ये सारी लड़ाई इस बात पर है। एक तरफ ये 40 पार्टियां 40 चोर इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरफ है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने 5 साल में एक बात सिद्ध की है कि वो ईमानदारी से काम करता है और मेहनत से काम करता है। और जब वो गुजरात का मुख्यमंत्री था तो अमेरिका का वीजा लेना चाहता था लेकिन उन्होंने वीजा नहीं दिया था, इसको कहा था ये आतंकवादी है। और जब 125 करोड़ लोगों ने आपने एक मिनट ले लूंगा 125 करोड़ लोगों ने जब आपने उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया तो वही अमेरिका कहता है आप हमारे यहाँ आओ और ये कहना पड़ा जीत जाओ और वीजा ले जाओ, ये पोजीशन उसने अमेरिका की बनाई है। और फिर जब अमेरिका गया तो सारे आज तक पहला ये उदाहरण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ के और एयरपोर्ट पे अपनी पत्नी के साथ पहुंचाओ मोदी जी ने रिसीव करने के लिए नहीं। इससे पहले हमारा मनमोहन सिंह आया था 4 घंटे तक उस पर एयरपोर्ट पर रोके रहे ने। कहे क्या ही तलाशी पकड़ी ले कदे किससे ही नहीं, अरे मोदी सा जहां का जानू ही गमटे हुआ रहा सारा देश ने मोदी 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 करता है। ये एक नेतृत्व की है, उसका मजबूत नेतृत्व है। चाइना का तो चाइना वाले ने यही करना पड़ा, फ्रांस का फ्रांस, रशिया वाले रशिया, और जहां भी अब ये पूरे देश के सम्मेलनों में वहां मोदी को अलग से अहमियत दी जाती है। नहीं पहले नो नहीं पता चला था भारत का कोई प्रधानमंत्री है भी या नहीं यार दूसरे देश में जा भी है नहीं, ये उसने पोजिशन बनाई। और जिस दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए उसी दिन नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में जो बोला आंखों में आंसू आए, बोला मुझे रात को मैं नींद की चैन नहीं सो सका जब तक आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक ना की और ये सारे इनके ठिकाने नष्ट ना किए जब तक मोदी ने सांस नहीं लिया। और आज ये कांग्रेस वाले नो गए हम तक पहुंच गए ना, ये पावर दी और उल्टी ले लेंगे, फिर गए 370 नहीं खत्म होने देंगे। इनका जो लहर है मोदी के नाम की ये 302 मेजोरिटी आ जाएगी, 370 भी खत्म होगी, और जो जे एंड के वो भारत का भी अंग है। फारूक अब्दुल्ला जो कांग्रेस से मिलकर लड़ रहा चुनाव वो कहे यहाँ 2 प्रधानमंत्री 2 झंडे इस देश में नहीं हो सकते, जे एंड के भारत का है, भारत का रहेगा, इस पर कोई किसी तरह का फैसला नहीं करेंगे। आज देश को आर्थिक दृष्टि से 4th नंबर पर हम पहुंचने वाले हैं, अमेरिका रशिया और चाइना के बाद हम 4th नंबर पर पहुंच रहे हैं। तो आज देश का मान सम्मान बढ़ाया है, मिलिट्री ताकत बढ़ाई है, सारे जितने आतंकवादियां ये गुट थे कदम खत्म हो लिए, मार दिए जेल में।